A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome to E-Academy Biology Lectures. In today's lecture, we are focusing on magnification of a microscope. Magnification can be defined as the number of times larger an image is than the real size of the object. Magnification can be expressed by a whole number and a letter x, x की जगह multiplication sign भी हम कभी कभार यूज करते हैं. Mathematically, magnification is equal to observed size of the image divided by actual size, or m is equal to capital I divided by capital A. यहाँ पर capital I observed size of the image को represent करता है और capital A actual size of the image को represent करता है. अगर हमारे पास two of these values known है तो third one को हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं. Measuring cells. Cells को हम एक eyepiece graticule के साथ measure कर सकते हैं. Graticule के ऊपर a scale is ruled on it. इसके ऊपर एक स्केल प्रेजेंट होता है. ये जो eyepiece graticule है इसके ऊपर जो स्केल है ये ट्रांसपेरेंट होता है और यूजुअली इट हैज 100 डिविजन्स. आईपीस ग्रेटिक्यूल को माइक्रोस्कोप के आईपीस या ऑकुलर में रखा जाता है ताकि जूं हमें ऑब्जेक्ट नजर आए उसके साथ साथ हमें उसको मेजर भी कर सकें. आप सेल्स को मेजर करने के लिए आईपीस ग्रेटिक्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, बट द डिस्टेंस विल बी डिफरेंट फॉर Each objective. अब आपने क्या करना है, you must have to find out the distance measured for each division of the graticule. अब इस distance को measure करने के लिए हमने क्या करना है, हम एक stage micrometer use करेंगे. ये stage micrometer हम eyepiece graticule को calibrate करने के लिए use करते हैं. एक दफा जब ये calibrate हो जाए तो जैसी हम माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तो हम आईपीस ग्रेटिक्यूल को भी यूज कर सकते हैं. स्टेप्स इन कैलिब्रेशन. फर्स्ट स्टेप में यू हैव टू प्लेस अ स्टेज माइक्रोमीटर ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप, एंड द सेकंड स्टेप यू हैव टू लाइन अप वन ऑफ द डिविजन्स ऑन द आईपीस ग्रेटिक्यूल विद अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द स्टेज माइक्रोमीटर. इन द थर्ड स्टेप you have to count the number of divisions on the eyepiece graticule that correspond with a set measurement on the stage micrometer. In the fourth step, you have to calculate the distance in micrometers of one division on the eyepiece graticule. इस फिगर में आप देखेंगे तो जो 250 माइक्रोमीटर का डिस्टेंस है स्टेज माइक्रोमीटर पे उसको लाइन अप किया गया है अगेंस्ट टू डिविजन्स 8, 10 एंड 61 ऑन द आईपीस ग्रेटिक्यूल. जब 61 से हम 10 को माइनस करेंगे तो 51 डिविजन्स बन जाती है. तो 51 डिविजन्स ऑन द आईपीस ग्रेटिक्यूल आर इक्विवेलेंट टू 250 माइक्रोमीटर ऑन द स्टेज माइक्रोमीटर. अब वन डिविजन ऑफ द आईपीस ग्रेटिक्यूल इज इक्विवेलेंट टू 250 डिवाइडेड बाय 51 ऑन द स्टेज माइक्रोमीटर. तो हमारे पास 4.9 माइक्रोमीटर ऐसे आ जाता है. इसी वजह से वन डिवीजन जो है ये 4.9 माइक्रोमीटर का इक्विवेलेंट है. अब इसी कैलिब्रेटेड आईपीस ग्रेटिक्यूल को हम सेल को मेजर करने के लिए यूज करेंगे. अब इस फिगर में हाईलाइटेड सेल का जो विड्थ है that is 52 minus 40 mean 12 eyepiece graticule divisions है. इसका real width क्या होगा, हमने 12 के साथ 4.9 को multiply करना है तो इसका जो real width है that is 59 micrometers. Calculating the magnification of a photograph or image. एक image या फोटोग्राफ की मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं. इस यहाँ पर हमें दो फिगर्स नजर आ रही हैं. दोनों फिगर्स जो है ये एक ही प्लांट के सेक्शंस है, उसी के फिगर्स है, लेकिन एक फिगर को लाइट माइक्रोस्कोप से लिया गया है और दूसरे को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है। सपोज कि हम ये जो फिगर बी है इसमें पी सेल लेबल्ड पी जो कि है बिल्कुल सेंटर में शायद आपको नजर आ रहा है, इसकी मैग्निफिकेशन को हम मालूम करना चाहते हैं। अगर हमें इसका एक्चुअल लेंथ नोन है तो हम मैग्निफिकेशन को इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला ऑलरेडी नोन है, दैट एम इज इक्वल टू कैपिटल आई डिवाइडेड बाय कैपिटल ए। यहाँ पर रियल लेंथ सेल की जो रियल लेंथ है वो 80 माइक्रोमीटर है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू मेजर द लेंथ इन millimeter of the cell in photograph using a ruler। ठीक है, तो अगर हम रूलर से इसको मालूम करते हैं तो तकरीबन 60 mm आ जाता है। सेकंड स्टेप में हमने मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 mm 1000 माइक्रोमीटर का इक्विवेलेंट है। यहाँ पर चूंकि सेल का साइज 60 माइक्रोमीटर है तो मतलब कि 60 को हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या आएगा 60,000 माइक्रोमीटर्स। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, स्टेप 3 में जो इक्वेशन है दैट कैपिटल एम इज इक्वल टू कैपिटल आई डिवाइड बाय कैपिटल ए, इस इक्वेशन को हमने यूज करना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारे पास वैल्यूज है उन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, चले इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। वैल्यूज हमारे पास है 60,000 माइक्रोमीटर्स और 60,000 माइक्रोमीटर को हम एक्चुअल साइज पे उसे डिवाइड करेंगे, 80 माइक्रोमीटर से 60 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 750 इसका आंसर आ जाता है। 750 के साथ मल्टीप्लिकेशन साइन किस चीज को डिजिग्नेट करता है, द नंबर द टाइम्स को ये डिजिग्नेट करता है। 750 मींस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन इन फ्रंट ऑफ द नंबर 750 मींस टाइम्स, सो वी से दैट द मैग्निफिकेशन इज 750 टाइम्स।